कल के दिन के बारे में तो क्या ही कहूँ। कल का दिन काफी बिजी भी निकल गया और रात में ऐसे फंसे कि पूरी रात के 12:30-1 बजे के आसपास घर पहुँचा हूँ। तो बीच में जो चीजें होनी थी, कालू का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, वो भी नहीं हो पाया। सीधे घर जाके चुपचाप सो गए। और अभी तो मैं अपने काम से ही जा रहा हूँ। खैर भाई, मैं तो आ गया हूँ घर पर काम से निपट के, और अब जिम की तैयारी हो चुकी है। तैयार हो चुका हूँ, जिम जा रहा हूँ। और दिन में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ नहीं जो आपको बताने लायक हो, लेकिन अब अगर कुछ होता है तो बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करूँ। कोई ना कोई तो मिलना चाहिए आज, या मिलने जाएंगे किसी ना किसी से। फिलहाल चलते हैं जिम की ओर, क्योंकि जिम भी ज़रूरी है करना, अच्छा लगता है मुझे तो काफ़ी। तो कल कालू भाई का बर्थडे था, कल कालू भाई का बर्थडे अपन सेलिब्रेट नहीं कर पाए, तो कालू भाई बुरा तो नहीं मान गए? नहीं, बुरा नहीं। कल तो ट्रेन में भी केक काटा था। अच्छा, ट्रेन में भी केक काटा था। तुम्हारे जलवे यार राहुल भाई। कालू भाई का कहना है कि आज पार्टी होगी क्वालिटी रेस्टोरेंट में। पार्टी वार्टी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? देखो बर्थडे 27 को गया तो 27 को पार्टी होगी। कल पार्टी बन गई। खाए की पार्टी। कल तो करी पूरी पार्टी, आज कल तो पूरी फुल। कल तो बेचारा कालू गाड़ी में सो गया। गाड़ी में सोते सोते यार कह रहा मैं नहीं खोल रहा गेट, अब तो रख दो गाड़ी तुम ही। यार ये गला बहुत प्रॉब्लम दे रहा है मेरा, खुद कर रहा है पता है। कल मेरा भी हो गया था कल रात को 12। आज तो दिमाग खराब है अपने आप। सही, भूख नहीं लग रही मुझे तो, पता है क्या करें फिर इसके लिए। गायब हो गई है, कुछ नहीं, गर्म पानी पीते रहो। अपन तो कुछ नहीं पी रहे, ना खा रहे ना पी रहे। चलो भैया, भूख लग रही है भैया, भूख भूख। आज मैं सोच रहा हूँ पता है चाप खाने चलते हैं। ये बात करी तूने यार, ये तूने मेरे मतलब दिल को ना खुश कर दिया। मतलब नहीं, चाप इसलिए खाने, पता है क्या मन कर रहा मेरा? हाँ, एक तो ये गला सही हो जाएगा, गला सही हो जाएगा, उसमें काली मिर्च होती है सबसे बड़ी बात। मिर्ची सी रहती है ना, गरम गरम पसीना छोड़ देगी बॉडी यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? ये देखो पूरी रास्ते पर ऐसे ध्यान नहीं आई खाने की, अब खा रहा है। जल्दी आ बाहर, कौन तुम? जिम जाने में भी लेट, अब आके यहाँ पे फंस गए हो, चलना नहीं है क्या? लेग्स पैक्स छोड़ो, तुम खिला रहे हो तो बताओ। आज जाएंगे सोया जा पानी। रहन दो, तुमने खिला ली, चल हो गई। जिम के बाहर जो मस्ती होनी थी वो भी हो गई, अब आपको सीधे ले चलता हूँ मैं आर्म रेसलिंग, जिसमें दो दिग्गजों को लड़वाने वाला हूँ मैं। जैसे भी लड़े पर लड़वाऊंगा जरूर, देखते हैं आदित्य और देवेंद्र। हेलो हेलो, चलो भाई हेलो हेलो, एक बार और आजमा ले। चलो काउंट करियो, एक दो तीन स्टार। काउंट तो करना पड़ेगा, बेईमानी नहीं चलेगी, बेईमानी नहीं चलेगी। हाँ चलो, नहीं 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 उसमें कुछ नहीं होगा, नहीं एडवांटेज नहीं लेगा भाई। चलो एक दो तीन, अरे भाई तो ये क्या लग रहा है? आर के कैसा लग रहा है तुझे? जिस चीज का मैं कुछ किया नहीं है उसमें मैंने टक्कर दी। क्रिकेट खेल ले, वो क्रिकेट खेल ले भाई, इससे जो आता है वो करूंगा। जी देखो 25 साल हो गई, उसमें से 18 साल जिम में निकाल दिए, और फिर भी कह रहा है मैं आकाश से ही लड़ा पाऊंगा। तो आकाश से लड़वा देंगे। और टोटल आदमी कह रहा है टोटल डाइट पे रहता हूँ, डाइट में कुछ नहीं। आकाश सो गया, कल बुलाएंगे, कल लेकर आएंगे। आर्म रेसलिंग के नाम पे ऐसा खिलवाड़ हुआ है ना कि बता नहीं सकता। आप लोगों ने देखा ही है कि 2 सेकंड भी नहीं लगने दिया आदित्य ने देवेंद्र को हराने में, और उसने पहले ही बोल दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड दूंगा, 2 सेकंड के अंदर ही हरा दूंगा, और वही उसने किया। 2 सेकंड के अंदर 2 बार उसने हरा दिया। और अब मैं भी चलता हूँ घर, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ।